हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिड्डा। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंडियन पॉलिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर कोई डाउट है उससे पहले तो आप बता दो। सॉरी फॉर द लेट, क्लास 5 मिनट लेट हो गया है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था उसके कारण 5 मिनट लेट हो गए हैं। तो गुड इवनिंग मनोज जी, हेलो, हाय एवरीवन। तो प्रीवियस क्लासेस में अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। एंड इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी वन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम जानेंगे। कवर स्वैग जी, सत श्री अकाल। चलिए तो आप लोग ज्वाइन करिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यह रहा आज का पहला क्वेश्चन। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड होती है, मतलब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज लिमिट कितना चाहिए होता है, मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को हम फेडरल चैंबर भी बोलते हैं। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा हमारा फेडरल चैंबर है। आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर होते हैं। मेंबर्स की बात करता है आर्टिकल 80। तो कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स, दैट इज 238 प्लस 12, 238 मेंबर जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं। स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स और दो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है? दिल्ली एंड पुडुचेरी। उसके बाद बात करें 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो पर्सन जो स्पेशलाइज्ड होते हैं आर्ट, कल्चर या फिर स्पोर्ट्स, ऐसी फील्ड्स में 12 पर्सन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। बट प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो हमारी है, प्रेजेंट है 245, that is 233 plus 12। ये present strength है। तो क्लियर हुआ? तो आंसर आए मेरे पास, किसी ने 30 बोला, किसी ने 35 बोला। तो बच्चों, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज पर आर्टिकल 84 जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है एज पर आर्टिकल 84 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज पर आर्टिकल 84 द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 30 इयर्स। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम जो आयु चाहिए होती है वो होती है 30 वर्ष की आयु, और किसी प्रॉफिट की चेयर पे नहीं होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई। जो भी मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं ये भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो हम एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन और भी कर रहे हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करते हैं, बट 15 के साथ × 5-6 और कर दो तो 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इसके बारे में अगर मैं और बात करना चाहूं, और अगर मैं बात करूं राज्यसभा को लेकर, तो हमने क्या बात की, एज रिक्वायर्ड कितनी होती है? 30 इयर्स। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, किसी प्रॉफिट की चेयर पे नहीं होना चाहिए। ये क्या कहता है? ये कहता है आर्टिकल 84। उसके बाद हम फर्दर बात करें तो आर्टिकल 102 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। अगर किसी राज्यसभा के मेंबर को रिटायर होना हो, उसको बाहर निकालना हो, तो उसके लिए होता है आर्टिकल 102। और टेन्योर कितना रहता है राज्यसभा के मेंबर का? टेन्योर रहता है 6 इयर्स। 6 साल का टेन्योर होता है राज्यसभा के मेंबर्स का। और राज्यसभा के वन बाय थर्ड मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट राज्यसभा में है तो पूछिए, ठीक है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 चाहिए होती है। लोकसभा के लिए अगर मैं लोकसभा की बात करूं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए
25 एज रिक्वायर्ड होता है, 25 साल मिनिमम एज, और राष्ट्रपति बनने के लिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए अगर मैं बात करूं 35। देखिए बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट के, इंडियन पार्लियामेंट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, सेकंड वन इज राज्यसभा एंड थर्ड वन इज लोकसभा। प्रेसिडेंट के लिए 35, राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25। तो 25, 30, 35 ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 25, 35 एंड 30, इसको ध्यान में रखना। और यहां पर हम बात करें जो हमारा कैबिनेट है बेसिकली, ठीक है, अभी जैसे एनडीए की गवर्नमेंट है, अभी जैसे एनडीए की गवर्नमेंट है, तो एनडीए ने 2019 में फिक्स किया, एनडीए ने 2019 में क्या फिक्स किया कि हमारा कोई भी मिनिस्टर 75 से अबव नहीं होगा, 75 से अबव नहीं होगा, मतलब ये 75 से अबव जिस व्यक्ति की एज होगी ये उसको कैंडिडेट सीट ही नहीं देने वाले, ये उसको सीट ही नहीं देने वाले। जैसे अब मैं बात करूं लाल कृष्ण अडवाणी जी का हाल हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी का हाल हुआ, क्योंकि वो उनकी एज ज्यादा है तो इसलिए बीजेपी ने पॉलिसी अपनाई है क्या 75। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में बेसिकली जो, देखिए राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए इसको हाउस ऑफ, इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स भी बोला जाता है। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए बोलते हैं कि स्टेट विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो बाय द इंटरनल इलेक्शन राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, संतोष जी समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसको लेकर, राज्यसभा को लेकर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो ओके बोल दिया करो। वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सर क्लास रेगुलर लीजिए, किरण जी बोल रहे हैं, किरण जी डेली क्लास होती है 6 days a week, हफ्ते में 6 दिन क्लास होती है, ठीक है, जिसमें से 3 दिन अप्रोक्सीमेटली जीके का, जनरल अवेयरनेस का क्लास रहता है, ठीक है, क्वांट की क्लास भी होती है, रीजनिंग का क्लास भी होता है, साइंस, जनरल साइंस की क्लासेस भी होती हैं, और 3 दिन हम अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 दिन जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1975 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, ठीक है, उस टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, तो उस टाइम पे देश के राष्ट्रपति कौन थे, उस टाइम पे देश के राष्ट्रपति कौन थे, देश के राष्ट्रपति, आंसर द क्वेश्चन फास्ट, आंसर द क्वेश्चन फास्ट, जल्दी से बताइए। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे, वेरी गुड वेरी गुड, वर्षा यादव, पिंटू सिंह आंसर कर रहे हैं, रोहित पाल, सब लोग आंसर कर रहे हैं, कोई इंदिरा गांधी बोल रहा है, कोई फखरुद्दीन अली अहमद बोल रहा है, कोई वीपी सिंह बोल रहा है, सब लोग अपने अपने लगे हुए हैं। तो बच्चों मैं बता दूं, ध्यान से पढ़िए नाम को, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में राष्ट्रपति पूछा है, जो लोग डी बता रहे हैं, जो लोग डी बता रहे हैं उनको मैं बता दूं, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी भैया, यहां राष्ट्रपति पूछा है, इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर थी 1975 में, तो डी तो हो ही नहीं सकता, डी तो हो ही नहीं सकता जो लोग इंदिरा गांधी बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, हम ऑप्शन चूज करते हैं, हम सारे ऑप्शन की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करी हमने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1975 में, नॉट प्रेसिडेंट। उसके बाद बात करें वीपी सिंह दैट इज विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, राष्ट्रपति नहीं रहे, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं बेसिकली इंडिया के। उसके बाद बात करें मोरारजी देसाई जी की, मोरारजी देसाई तो जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे, भारत के 5वें प्रधानमंत्री एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। उसके बाद बात करें, एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, फखरुद्दीन अली अहमद जी 1974 से लेकर, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेकर 1977 तक देश के राष्ट्रपति रहे, देश के राष्ट्रपति रहे, और 1975 में इमरजेंसी आया तो उस टाइम पे क्या था, इमरजेंसी के टाइम पे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक
क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट? मैं बता देता हूं, देश के पहले पांच, बेसिकली ये पांचवें राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद जी, ये देश के पांचवें राष्ट्रपति थे, फिफ्थ राष्ट्रपति। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 और ये राष्ट्रपति रहे, प्रेसिडेंट। उसके बाद आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्लियर। उसके बाद तीसरे बने जाकिर हुसैन, तीसरे आए थे जाकिर हुसैन जी, और फोर्थ पे आए कौन? वीवी गिरी, वीवी गिरी। उसके बाद पांचवें नंबर पे आए फखरुद्दीन अली अहमद। अभी भारत के 14th प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, इनका नाम है रामनाथ कोविंद, इनका नाम है रामनाथ कोविंद, अभी 14th है रामनाथ कोविंद। सर हाउ टू लर्न ऑल प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर, वेरी कंफ्यूजिंग। संतोष जी सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सारे नहीं याद करने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स में आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स में आते हैं, जैसे 75 एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, इमरजेंसी लगी, उस टाइम पे कौन था ये आपको बताना चाहिए, ठीक है, या फिर पहले कौन थे वो आपको बताना चाहिए, आखिरी को अभी प्रेजेंट कौन है ये आपको बताना चाहिए, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं तब के तब क्या आपको बताना चाहिए। डीआरडीओ का एग्जाम ऑन होगा तो कैसा आएगा, डीआरडीओ का जीके कैसा आएगा? बेसिकली शुभम जी ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये डीआरडीओ लेवल के ही है, डीआरडीओ एमटीएस, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, ये तीनों लेवल के पेपर क्वेश्चंस हैं बेसिकली, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस इयर्स के ही हैं, क्योंकि रेपिटेशन चलता है। ये जो जीके के क्वेश्चन होते हैं एक्सेप्ट द करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस में रेपिटेशन चलता है, रिपीट होते हैं, तो हम वैसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ये पुराने क्वेश्चन ही आप ऐसे मान लो। चलिए किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, बढ़ते हैं आगे हम। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली फीमेल गवर्नर, भारत के किसी राज्य की पहली फीमेल गवर्नर, फीमेल महिला राज्यपाल, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, बताइए जल्दी से, पहली महिला राज्यपाल। आई होप सब लोग इसका सही आंसर करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया आज, ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, किसी ने भी गलत आंसर नहीं किया, सबके सब सही आंसर कर रहे हैं, सबके सब, सबने सही आंसर किया। तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू भारत में उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, कौन से स्टेट की यह भी ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, क्लियर, उत्तर प्रदेश से सरोजनी नायडू। एग्जाम कब तक होगा? देखो सारे बच्चे एक ही सवाल पूछते रहते हैं, कमेंट्स में भी यही क्वेश्चन आता है, एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम कब तक होगा? तो बच्चों एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा लॉकडाउन के बाद, जब ये कोरोना वायरस की सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उससे पहले कोई चांस नहीं एग्जाम कंडक्ट होने का, ठीक है। तो सिचुएशन जब तक कंट्रोल नहीं हो जाती, क्योंकि गवर्नमेंट आपको भी ऐसी क्राइसिस में नहीं ढकेल सकती है, तो कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला बिफोर द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंग्लिश इनमें से किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? इंग्लिश इनमें से किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? इंग्लिश इनमें से किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बताइए? इंग्लिश, अंग्रेजी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अंग्रेजी इनमें से किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? इंग्लिश। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, आसान है पर थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग। राजकुमार यादव, अर्चित राठौड़, एंजल डीकू यादव, तो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। तो यहां पर मैंने पहले ही बोला ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो बच्चों गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो कोंकणी है, ठीक है। आप लोग गोवा गोवा बोलते रहे हो, गोवा नहीं है, गोवा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, अगर मैं इन स्टेट्स की बात करूं, अगर हम ऑप्शंस को देखें तो मेघालय, मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। बेसिकली इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन स्टेट्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इन स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट्स को ध्यान में सुनिएगा, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स की है इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, गोवा की नहीं है।
तो राइट आंसर इज मेघालय, मेघालय की लैंग्वेज है इंग्लिश। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? द एट्थ शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय शेड्यूल और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एट्थ शेड्यूल, यह क्या कहता है? देर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, क्लियर? इंग्लिश एक्स्ट्रा है, इंग्लिश एक्स्ट्रा है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर? एक बार स्टेट के नाम, शुभम जी क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन आपका, क्लियर? समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन मुझे यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल फ्लैग, हमारा तिरंगा, हमारा जो तिरंगा है उसमें एक अशोक चक्र है, क्लियर? अगर मैं तिरंगे की बात करूं, अगर हम तिरंगे की बात करें तो तिरंगे के अंदर एक अशोक चक्र होता है, ठीक है, जिसके अंदर स्पाइक्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं। तो बताइए कितने स्पाइक्स होते हैं, कितने स्पोक्स होते हैं, कितने चक्र होते हैं, बताइए। गोवा का पूछ रहे हैं, गोवा का कोंकणी, तो कितने यहां पर नेशनल फ्लैग के अंदर स्पोक होते हैं, बताइए जल्दी से। देखिए नेशनल फ्लैग की अगर मैं बात करूं, नेशनल फ्लैग कोड आया था 2002 में, नेशनल फ्लैग कोड आया था कब, 2002 में। हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है, एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई, ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कितनी है, 2:3, 2:3, तीन लंबाई दो चौड़ाई, ठीक है, ब्रेथ लेंथ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ब्रेथ और लेंथ को लेकर, ठीक है। तीन कलर होते हैं, सबसे पहले होता है ऑरेंज, ऑरेंज किसके लिए होता है, ऑरेंज होता है स्ट्रेंथ के लिए और करेज के लिए, स्ट्रेंथ और करेज के लिए। उसके बाद होता है व्हाइट, पीस एंड ट्रुथ, व्हाइट किसके लिए होता है, पीस एंड ट्रुथ के लिए। एंड थर्ड पे आता है ग्रीन, दैट इज फॉर फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, थर्ड पे आता है क्या, ग्रीन, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ के लिए, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ के लिए क्या होता है, ग्रीन होता है। तो कितने स्पोक्स होते हैं, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, कितने होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। ओके, फिर से सारे स्टेट इंग्लिश वाला नाम मैं बता देता हूं, कितने इंग्लिश वाले स्टेट्स हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, क्लियर, ये स्टेट्स हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या, इंग्लिश। तो फ्लैग में कोई डाउट आपको, एक क्वेश्चन अगर मैं फ्लैग के ऊपर और बात करूं, इस फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था, व्हेन वाज द, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो फ्लैग है हमारा तिरंगा है, इसको कब अडॉप्ट किया गया। तो अडॉप्ट किया गया था जुलाई 1947 में, दैट इज 22nd of July। देखिए तिरंगे की कहानी कुछ ऐसी शुरू हुई 1931 में, महात्मा गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि एक अपना फ्लैग होना चाहिए, आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बट कोई हमारे पास एक अपना फ्लैग होना चाहिए, एक फिक्स। तो 1931 में महात्मा गांधी जी ने प्रस्ताव रखा और एक फ्लैग बनाया गया, ठीक है, एक फ्लैग यहां पर बनाया गया। तो वो जो फ्लैग बना, उस फ्लैग को बनाया था पिंगाली वेंकैया जी ने इस फ्लैग को बनाया था, ठीक है, ये भी एक नाम आता है पिंगाली वेंकैया, तो उन्होंने बनाया। उसके बाद वो फ्लैग चलता था, पहले ऑरेंज की जगह रेड होता था, बाद में ऑरेंज चेंज किया गया, क्लियर। और 1947 में एक फ्लैग कमेटी बनाई गई, उस फ्लैग कमेटी ने कुछ प्रस्ताव रखे, कुछ अमेंडमेंट भी करी इसके अंदर, और एट द एंड फ्लैग हमारे पास आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पहला देश जिसने अपना संविधान बनाया, संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा है,
संविधान बनाने वाला पहला देश, बताइए जल्दी से, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले संविधान बनाया? क्या भारत ने बनाया था सबसे पहले, क्या इंग्लैंड ने बनाया था, यूएस ने बनाया था, श्रीलंका ने बनाया था? देखिए इंडिया को हो नहीं सकता क्योंकि हमने तो ऐसी कंट्री से अडॉप्शन किए हैं, बहुत कुछ इनके कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, तो ये तो हो नहीं सकता, इंडिया तो नहीं है, ठीक है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? तो वेरी गुड आंसर आ रहे हैं मेरे पास, सब लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ इंग्लैंड बोल रहे हैं, कुछ यूएसए बोल रहे हैं। तो यूएसए बच्चों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था सबसे पहले, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला देश बना था अमेरिका, यूएसए। यूएसए की अगर मैं बात करूं 1787 में अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या अडॉप्ट करा हुआ है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने क्या क्या अडॉप्ट करा हुआ है किससे, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखना, हमने क्या क्या अडॉप्ट करा हुआ है, हमने क्या क्या अडॉप्ट करा हुआ है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है? तो क्या क्या अडॉप्ट करा हुआ है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो छह मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो छह मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन और कल्चर, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो हमारे छह मौलिक अधिकार है ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है, फंडामेंटल राइट वाला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू अगर मैं बात करूं, उसके बाद बात करें फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल क्या होता है बेसिकली शुरुआत होती है, तो प्रीएम्बल भी हमने कहां से लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्लियर। कहां से लिया हमने, देखिए हमने फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यूएसए से लिया है। एक क्वेश्चन यहां पर बहुत कंफ्यूजिंग आता है, ये मैंने अपनी पहली क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने पहले वाला लेक्चर देखा है, सबसे फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने पॉलिटी के ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो यह क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो बच्चों ने उसमें क्या कंफ्यूजन किया, बच्चों ने बोला कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन का मेथड है ये भी हमने यूएसए से लिया। नहीं बच्चों, ये यूएसए से नहीं लिया है, क्यों, यूएसए से हमने क्या लिया है, यूएसए से हमने लिया है फंक्शनिंग ऑफ प्रेसिडेंट, इसकी फंक्शनिंग ली है हमने, ठीक है, इंपीचमेंट भी लिया है, इंपीचमेंट भी लिया है, बट नॉट द मेथड ऑफ इलेक्शन, नॉट द मेथड ऑफ इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन हमने कहां से लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने लिया कहां से, आयरलैंड से। तो कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आपने गलत बता दिया है, मैंने गलत नहीं बताया बच्चों, आपको कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है, आयरलैंड ही है, यूएसए से हमने क्या लिया है, फंक्शनिंग ली है प्रेसिडेंट की, मेथड ऑफ इलेक्शन आयरलैंड से अडॉप्ट किया है, क्लियर हुआ बच्चों, किसी को इसमें कोई भी डाउट है मैं पहले बता रहा हूं, प्रेसिडेंट की बात यह है तो सीधा मत बोल देना कि प्रेसिडेंट हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड है, फंक्शनिंग ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए है, तो किसी को कोई डाउट इसके अंदर। और भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सबसे बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन कौन सा आर्टिकल है बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, फिर से राष्ट्रपति शासन को लेकर कौन सा आर्टिकल काम करता है, विच आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल्स इन द स्टेट्स, राष्ट्रपति शासन को लेकर कौन सा यहां पर आर्टिकल वर्क करता है, आंसर फास्ट आंसर करिए बच्चों जल्दी से,
जब किसी स्टेट में, जब किसी राज्य के अंदर, जब किसी राज्य के अंदर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वहां पे जो वहां की सरकार होती है लेजिस्लेटिव असेंबली वो भंग हो जाती है, वो ऑपरेट नहीं कर पाती, सिचुएशन उसके अंडर कंट्रोल नहीं रहती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जब भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्लियर? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? तो सब लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के अंदर लगता है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के अंदर यहां पर क्या लगता है? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति का शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बिल, इनमें से कौन सा बिल राज्यसभा में नहीं अप्रूवल किया जाता, इनमें से कौन सा बिल होता है जो राज्यसभा में, जिसका यूज राज्यसभा में नहीं होता, इनमें से कौन सा ऐसा बिल है, इनमें से कौन सा ऐसा बिल है जिसको राज्यसभा का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता? क्या वो संवैधानिक संशोधन बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई अमेंडमेंट करते हैं, या कोई भी साधारण बिल है किसी भी तरह का, और या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को बिल है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर बिल कोई आता है, या फिर मनी बिल है? इनमें से कौन सा बिल, इनमें से कौन सा बिल, देखिए दो हाउसेस हमारे, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा को बोलते हैं क्या? हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। तो पीपल और स्टेट्स, लोकसभा एक ऐसा हमारा पार्लियामेंट है जिसको सीधा जनता चुनती है, लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनको सीधा जनता चुनती है, ठीक है, हम वोट डालते हैं। और राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था, इनको कौन चुनता है? इनको चुनता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के विधायक। तो ऐसा कौन सा बिल है जो राज्यसभा जिसको अप्रूवल नहीं देता है? दैट इज मनी बिल, ठीक है। मनी बिल की अगर मैं बात करूं, मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर है? मनी बिल दैट इज अंडर द आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110 क्या कहता है? आर्टिकल 110 कहता है कि जो मनी बिल होता है, जो मनी बिल होता है, वो मनी बिल किस लिए होता है? मनी बिल होता है जब भी हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, तो हमें पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास करवाना पड़ेगा, और वो बिल किसके अंदर जाता है? लोकसभा के अंदर, क्योंकि पैसे की बात है, तो पैसे की बात है, तो जनता के द्वारा चुने हुए, जनता के द्वारा चुने हुए सांसद ही उसको अप्रूव करेंगे, इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता यहां पे। नहीं मनोज कुमार जी, फंडामेंटल बिल नहीं है, ठीक है, बाकी जितने भी बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, साधारण बिल और फंडामेंटल बिल, ये दोनों सदनों में जाते हैं, राज्यसभा इसको अप्रूव देता है, बट मनी बिल राज्यसभा में अप्रूवल नहीं चाहिए होता मनी बिल को लेकर। तो मनी बिल इज द राइट आंसर। कांग्रेस जी, जीएसटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी बिल, टैक्सेशन की जब बात होती है तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी बिल। आप पढ़िएगा, जब जीएसटी आया था, जब जीएसटी आया था तो वो बिल यहीं पे अप्रूव हुआ था, यहां पे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले मेंबर, टेम्परेरी सबसे पहले मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, संविधान सभा के सबसे पहले, सबसे पहले चेयरमैन, अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, 1946 में बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो इसके पहले टेम्परेरी चेयरमैन, पहले टेम्परेरी चेयरमैन, टेम्परेरी पूछा मैंने, तो इसके पहले टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी? तो पहले इसके टेम्परेरी चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहले बनाया गया क्या? टेम्परेरी चेयरमैन। बट कुछ टाइम बाद, बट कुछ शॉर्ट टाइम बाद ही राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया क्या यहां पर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन, बिल्कुल दो दिन बाद ही,
बिल्कुल दो दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा जी बने और दो दिन बाद ही 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया चेयरमैन, बट यहां पर पूछा गया था टेम्परेरी। तो क्लियर हुआ, बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस इनमें से किस पॉलिटिकल ग्रुप का पार्ट है? कांग्रेस पार्टी इनमें से किस पॉलिटिकल ग्रुप का पार्ट है बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इनमें से किसका पार्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारी कांग्रेस पार्टी जिसकी अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी। कंफ्यूज हो रहे हो बच्चों? देखिए बेसिकली दो लार्जेस्ट ग्रुप है हमारे पास, एक है यूपीए एक है एनडीए, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यहां पर क्या है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यहां पर अगर मैं बात करूं यूपीए की सबसे पहले हम बात करें और एनडीए की हम बात करें, तो एनडीए बना था 1998 में, एनडीए बना था 1998 में, किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 1998 में बनाया था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन्होंने कुछ पार्टीज को अपने साथ जोड़ा और एक बनाया बड़ा संगठन एनडीए, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और टोटल 17 पार्टीज हैं इसके अंदर, टोटल 17 पॉलिटिकल पार्टीज हैं एनडीए के अंदर, एनडीए के अंदर 17 पॉलिटिकल पार्टीज। अभी सरकार इन्हीं की है, एनडीए की सरकार है, लोकसभा के अंदर 345 की स्ट्रेंथ है। क्लियर? और अगर मैं बात करूं किसकी, यूपीए की अगर मैं बात करूं, यूपीए को बनाया था 2004 में सोनिया गांधी जी ने, और यूपीए के अंदर 15 पॉलिटिकल पार्टीज है, 15 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? सबसे बड़ी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी। तो बच्चों राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, क्योंकि यूपीए। क्लियर हुआ बच्चों? डाउट किसी को, कोई डाउट किसी तरह का बच्चों डाउट पूछ लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राष्ट्रीय गान को कब अडॉप्ट किया था बताइए। हमारा राष्ट्रीय गान जनगणमन, जिसको किसने लिखा, जिसको लिखा था 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हमारा जो राष्ट्रीय गान है डेट इज जनगणमन, इसको 1911 में किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब अडॉप्ट किया? तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सब लोग, 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, 24 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाली, अगेन अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लैंग्वेज, लैंग्वेज को लेकर एक और क्वेश्चन। बंगाली इनमें से किस राज्य की भाषा है? बंगाली, ठीक है, बंगाली बेसिकली हम सुनते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है, बट वेस्ट बंगाल तो ऑप्शन में ही नहीं है, वेस्ट बंगाल तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो बंगाली इनमें से किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? आंसर द क्वेश्चन, बंगाली इनमें से किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? बंगाल तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि बंगाल तो ऑप्शन में ही नहीं है। करिए आंसर जल्दी से। तो कुछ बच्चे बहुत सही आंसर कर रहे हैं, तो बंगाली बच्चों त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, बंगाली त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल की। तो आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या रहा? त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को, गवर्नर को कौन ओथ दिलवाता है? राज्यपाल को ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर को
राज्यपाल को कौन ओथ दिलवाता है? क्या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, क्या प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट? इनमें से कौन, इनमें से कौन राज्यपाल को ओथ दिलवाता है? इनमें से कौन राज्यपाल को ओथ दिलवाता है? देखिए, जैसे सेंटर के लिए प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही एक राज्य के लिए, एक स्टेट के लिए गवर्नर होता है, एक स्टेट के लिए गवर्नर होता है राज्यपाल। तो कौन ओथ दिलवाता है? तो सब लोग अपना अपना आंसर करें। तो बच्चों, राज्यपाल को ओथ दिलवाता है उस स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट होता है, उस स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट होता है, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो ओथ दिलवाते हैं गवर्नर को। बेसिकली यहां पर इंडिया के हर राज्य के लिए एक चीफ, सॉरी एक हाई कोर्ट काम करता है। तो इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट है अभी, इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट है अभी। तो 25 हाई कोर्ट बेसिकली स्टेट्स को 28 है और 8 यूटीज भी है। तो बात ऐसी है कि कुछ स्टेट्स को मर्ज किया हुआ है, कुछ स्टेट्स के लिए, यूटीज के लिए एक ही हाई कोर्ट काम करता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहें, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ही हाई कोर्ट काम करता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। दो स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी हो गई, बट हाई कोर्ट एक ही है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, वो पंजाब के गवर्नर को भी ओथ दिलाएंगे, वो हरियाणा के गवर्नर को भी ओथ दिलाएंगे, वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी ओथ दिलाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज होती है, चीफ जस्टिस की भी वही होगी। तो हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज होती है, वो होती है 62। हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज होती है, वो होती है 62, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है 65। अगेन अ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। मैं जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं बच्चों, मैं जो भी एक्स्ट्रा बातें बताता हूं, वो भी आपका एक क्वेश्चन है अलग से, वो भी आपका एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये भी पढ़ना है सारा, अकेला पीडीएफ के पीछे मत भागना। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? इसके बारे में मैं बता चुका हूं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। मैंने, अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर सुना है, अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास सुनी है, तो मैं बता चुका हूं इसके बारे में, इसके बारे में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ये वाला किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सबके सब सही आंसर करेंगे। राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है? डीकू यादव जी ने सबसे पहले आंसर दिया और बहुत ही सही लेवल पे आंसर किया। बच्चों फिर गलत कर रहे हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, विधानसभा, नॉट विधान परिषद, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। जिन्होंने गलत किया उनको मैं फिर से बता रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। विनीता जी, लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, स्टेट विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, विधान परिषद के नहीं। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, सोच समझ के अच्छे से आंसर करना, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का आखिरी क्वेश्चन, और बच्चों क्लास को शेयर कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो, अगर क्लास अच्छी लगती है तो, अगर अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो प्रधानमंत्री की रिटायरमेंट एज पूछी गई है, प्रधानमंत्री की रिटायरमेंट एज, तो बच्चों प्रधानमंत्री की कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं होती, ठीक है, प्रधानमंत्री की कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं होती। तो यहां पर कोई भी सीमा नहीं है, द आंसर इज नो लिमिट, नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है प्रधानमंत्री की। बट अभी जो पार्टी जो रूल कर रही है, ठीक है, दैट इज एनडीए, बीजेपी, उसके अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने यह फिक्स किया था कि हमारे किसी भी मिनिस्टर,
75 से अबव नहीं होगा, 75 से अबव नहीं होगा। ये पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है, ये पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है। क्लियर? टुमोरो कल क्लास होगी शमशी जी? नहीं कल क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे ऑफ रहता है हमारा, बाकी 16 डेज वीक क्लास होती है, कल नहीं होगी, ट्यूसडे ऑफ होता है बच्चों, ट्यूसडे ऑफ रहता है यहां पे, ट्यूसडे क्लास नहीं होगी, संडे को क्लास होती है। क्लियर? तो किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।